हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि गले में अंडरग्राउंड लेस कैसे लगाई जाती है। लेस लगाने में थोड़ी सी लोगों को प्रॉब्लम होती है, कई बार ये उल्टी भी हो जाती है लगाते लगाते। तो आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अंडरग्राउंड लेस गले में कैसे लगाई जाए। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले हम गले की कटिंग कर लेते हैं। तो गले की चौड़ाई हम रखेंगे 1.25 इंच। यहाँ पे आप गले की चौड़ाई 3 इंच भी रख सकते हैं अगर नाप बड़ा है तो। और गले की डीपनेस मैं रखूँगी 7.5 इंच। और गले की डीपनेस आपने अपने हिसाब से रखनी है। कई लोग छोटा गला पहनते हैं, कई लोग बड़ा गला पहनते हैं। तो यहाँ पे भी 1.25 इंच का निशान लगा लेते हैं। इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। इस तरह हमने इसे मिला देना है। और अब हम इसे शेप दे देंगे। शेप हम इसको थोड़ी सी इस तरह की देंगे। तो यहाँ पे अब हम गले को शेप दे देंगे। तो यहाँ पे आपने कोई भी शेप लगा लेनी है। मैं यहाँ पे स्वीट हार्ट शेप लगा रही हूँ। इस तरह हमने शेप को लगा लिया है। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। इस तरह हमने शेप कर लेनी है। इस तरह हम इसे कट कर लेंगे और अंदर से भी काट कर इसे पहले कपड़े के ऊपर जोड़ लेते हैं। ये लीजिए, गला हमारा इस तरह कट गया है। अब हम इसे पहले कपड़े के ऊपर जोड़ लेते हैं। इस तरह हमने कपड़े के ऊपर इसे अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे और इस कपड़े को हमने इसके ऊपर से इस तरह फोल्ड कर लेना है। इस तरह फोल्ड करेंगे। अब लीजिए, गला हमने इस तरह अटैच कर लिया है। अब ये जो हमारे पास लेस है, इस लेस को हमने इसके ऊपर से लगाना है। इसके ऊपर अंडरग्राउंड लगाना है, कहने का मतलब है। तो चलिए इसे हम लगाना शुरू करते हैं। अब देखिए, गला तो ऐसे अटैच हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसके गले के बिल्कुल किनारे किनारे पे एक सिलाई लगानी है। बिल्कुल बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पे लगाएंगे। सिलाई लगाकर दिखा देती हूँ। इससे जो आपकी पाइपिंग होगी, जो लेस होगी, बहुत ही परफेक्ट लगेगी। ये देखिए, लेस इस पे हमारी जो सिलाई है वो लग चुकी है। और मैं आपको दिखाती हूँ, पिछली साइड में इस तरह सिलाई का इम्प्रेशन आ गया है। तो इससे हमारी जो लेस लगेगी वो बहुत इजीली लग जाएगी। अब हम इसके ऊपर लेस अटैच अभी हम इसके ऊपर लेस को लगाएंगे। लेस को हमने इस तरह सीधा रखना है। इस तरह हम इसके बिल्कुल सिलाई के ऊपर ऊपर जो हमारी सिलाई आई थी उसके बिल्कुल ऊपर रखकर हमने इस सिलाई को लगाना है। ये सिलाई बिल्कुल उसके ऊपर ही आनी चाहिए। और अब हम इसे अटैच कर लेंगे। जितना हिस्सा आपने दिखाना है वो बाहर की तरफ रखिएगा, बाकी का हिस्सा हम इस तरह सिल देंगे। और इसको आपने बिल्कुल खींचना नहीं है, बिल्कुल ढीले हाथों से लगा लेना है। अब देखिए, इस तरह हमने इस लेस को अटैच कर लिया है। अब हम शर्ट के ऊपर बनाएंगे इसको। अब देखिए, शर्ट का हमने फ्रंट का हिस्सा लिया है, उसको हम इस तरह रख लेते हैं। रखने के बाद हम इस वाले गले को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह। पहले इसका हाफ कर लेते हैं। इसका हाफ जरूर करना है। सेंटर का निशान आप लगा लीजिए और इसे इसके ऊपर रखते हुए पहले टॉप स्टिच कर लेते हैं ताकि गला हमारा टेढ़ा ना हो। टॉप स्टिच करने के बाद हम एक सेंटर में सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। अब हम इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे। जहां जहां हमारी सिलाई लगी थी गले की, जो हमने अभी लेस जोड़ी है, उसी के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। अब लीजिए, सिलाई लगाना शुरू करते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो इधर का हिस्सा है,
अब इस लेस को हमने इस तरह अंदर की तरफ, इस कपड़े को, ये सिलाई लगाने के बाद अब इस कपड़े को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। और इस तरह आप देख सकते हैं ये हमारी अंडरग्राउंड लेस लगकर रेडी हो जाएगी। इसी तरह आपने कोई भी लेस इसके ऊपर लगाकर रेडी कर लेने हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब इसे गले पे अटैच कर रहे हो तो आपने सीधा जोड़ना है लेस को। कोई भी लेस लगाइए, सीधा रखिएगा, उल्टा मत रखिएगा। और एक बात आपको पूछती हूँ, जब हम सूट की सिलाई करते हैं तो हर बंदे के गले का जो नाप होता है वो अलग होता है, तो आप जरूर बताइएगा कि जो नॉर्मल गले का नाप रहता है और जो आपका नाप है वो क्या है। आप कितने इंच का गला पहनते हो ये जरूर आप बताइएगा मुझे। लीजिए ये हमारी पाइपिंग लगकर रेडी हो गई है, आप देखिए। तो लीजिए गले में जो अंडरग्राउंड लेस है वो लगकर रेडी हो गई है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि ये वाली जो अंडरग्राउंड लेस लगाते हैं हम, वो किस किस को लगानी आती है वो जरूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको बहुत सारे नए नए कटिंग और स्टिचिंग के वीडियो मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।